हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक कंडीशन है उस पर आपको वैल्यूज पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए बोल रहा है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। जैसे यहाँ पास पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, यहाँ पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, टोटल 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो की है, ठीक है ना, यहाँ पास की है, यहाँ पास की है, उसका वैल्यूज बताइए। ठीक है ना, उसका वैल्यूज बताइए। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हमको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमको के का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, कब बताना है, किस तरीके से बताना है, देखिए इस तरह से बताइए। ठीक है ना, कि इसके पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हो। ठीक है ना, दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, इसके पास इक्वल रूट्स हो। ठीक है ना, इस तरह से बताना है। ठीक है ना, कि अगर हम के का वैल्यू पुट करें तो हमको इक्वल रूट्स मिले। ठीक है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमको इक्वल रूट्स दे। ठीक है ना, तो बताते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूरी तरीके से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में है कि नहीं है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पास ये कंप्लीट इक्वेशन में नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पास मल्टीपल के फॉर्म है तो यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है जैसे रहना चाहिए। ठीक है ना, इसमें से आप ए बी सी का वैल्यू सबसे पहले फाइंड कीजिए। ए बी सी का वैल्यू आपसे बताया होगा, ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है जो कि है 2, बी क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है, सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, ये है बस। ए बी सी का फाइंड जो वैल्यू फाइंड कर लिए, उसके बाद आपको एक चीज याद दिला देता हूं। आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ रूट्स में टोटल 3 कंडीशन थे। ठीक है, उसमें से एक कंडीशन ये था कि अगर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इक्वल हो जाए या फिर इसका वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वल रूट्स मिलेगा हमको। ठीक है ना, तो यही कंडीशन पे हमको या फिर इसी इक्वेशन पे हमको ए बी सी का वैल्यू पुट कर देना है, हमको मिल जाएगा के का वैल्यू। ठीक है ना, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमको इक्वल रूट्स देगा, यानी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। ठीक है ना, मतलब टोटल 2 वैल्यू आएगा, वो जो दोनों वैल्यू रहेगा वो दोनों सेम वैल्यू रहेगा। ठीक है ना, मतलब एक्स का 2 वैल्यू आएगा और दोनों सेम आएगा। ठीक है ना, तो यही कंडीशन पे हमको वैल्यू पुट कर देना है बी के जगह पे एक्स। एक मिनट, ठीक है ना, बी का कोफिशियंट के है ना, यहाँ पास बी का कोफिशियंट के है, गलती से हमने एक्स लिख दिया था। अब बी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, के, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, इक्वल टू 0। ठीक है ना, घबराने कोई जरूरत नहीं, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू, इस वाले को उधर साइड शिफ्ट कीजिए हो जाएगा 24, के इक्वल टू ये जो स्क्वायर है उधर साइड शिफ्ट कीजिए तो प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। देखिए जब भी आप एलएचएस से उधर साइड स्क्वायर शिफ्ट कीजिएगा या फिर आरएचएस से एलएचएस साइड स्क्वायर को शिफ्ट कीजिएगा तो प्लस माइनस लगा लीजिए। ठीक है ना, इसका 2 वैल्यू हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पास अगला स्टेप करते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, इसको आप किस तरीके से लिख देते हैं, 24 को आप 2 × 2 × 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन 2 × 3 का पेयर नहीं बनेगा, 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर ले जाएंगे, प्लस माइनस 2 का पेयर बन गया, अंदर क्या बचा है 2 × 3 = 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। के का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2√6। ठीक, खत्म मामला इसका, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बना लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, के एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 kx प्लस 6 = 0। ठीक है, अब इसमें से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है ना, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 के और सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। ठीक,
उसके बाद ये जो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यही कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी इक्वल रूट्स मिलेगा, ठीक है ना, और हमको इक्वल रूट्स चाहिए। इस प्रकार से के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, तो इस पर पुट कर देंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा। डी कितना है, माइनस टू के, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू के है, सी का वैल्यू सिक्स है, इंटू में है ना, इक्वल टू जीरो। माइनस टू के का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू सिक्स, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर होना चाहिए, ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो। इसमें से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, फोर के कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, ना बचेगा के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इस वाले टर्म को उधर साइड शिफ्ट करते हैं तो जीरो में डिवाइड होगा तो मतलब जीरो हो जाएगा, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यही तो है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल एकेएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।